हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशनी और आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर की सब्जी, जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ले लिया है 250 ग्राम्स ऑफ पालक वॉश करके, जिसे मैंने एक बर्तन में रख लिया है। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी आधा ग्लास पानी और इसे ढक के 5 मिनट तक मैं इसे बॉयल करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पालक को बॉईल करके पानी निकाल के ले लिया है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने ये एक बड़ा प्याज और ये 8-10 लहसुन की कलियाँ और अदरक ले लिया है, जिसका हम पेस्ट बनाएंगे। ये 2 टमाटर ले लिए हैं, जिसका हमें पेस्ट बनाना है। और ये प्याज हम डायरेक्ट तड़के में डालेंगे। तो फ्रेंड्स, तड़के के लिए यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है, उसमें ऐड कर दिया है मैंने ऑयल। तो जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम उसमें ऐड कर देंगे 1 तेज़पत्ता। इसके अलावा हम ऐड करेंगे यहाँ पे जीरा और राई, और ऐड कर देंगे हम यहाँ पे कुछ गरम मसाले भी, जिसमें मैंने ऐड किया है फ्रेंड्स एक बड़ी इलायची। आप जो भी इसमें गरम मसाले ऐड करना चाहते हैं फ्रेंड्स, ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 लौंग और 2 काली मिर्च भी ऐड किया है। जब हमारा मसाला थोड़ा सा भून जाएगा तब हम ऐड करेंगे इसमें ऑनियन, जो हमने काट के रखा था ना, वो ऑनियन इसमें ऐड करेंगे। और अब अच्छा इसे भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो फ्रेंड्स, जब तक इधर हमारा प्याज होता है हम बाकी की तैयारी देख लेते हैं। तो ये मैंने 100 ग्राम्स पनीर ले लिया है फ्राई करके। अब हम ये अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट बना लेंगे, टमाटर का हम पेस्ट बना लेंगे फ्रेंड्स, और पालक का प्यूरी बना के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा प्याज अच्छे से लाल हो गया है। तो अब हम ऐड करते हैं इसमें अदरक लहसुन और प्याज की जो हमने प्यूरी बना के रखी थी वो इसमें ऐड कर देते हैं, और इसे 3-4 मिनट तक अच्छे से पकाते हैं, जब तक कि इससे तेल अलग ना होने लगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मसाले से तेल अच्छे से अलग होने लगा है, मतलब कि ये अच्छे से पक गया है। तो ऐड कर देते हैं हम इसमें ड्राई स्पाइसेस। तो ऐड कर देंगे यहाँ पर हल्दी पाउडर। फ्रेंड्स, जिस भी क्वांटिटी में आप सब्जी बना रहे हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे ये ड्राई स्पाइसेस ऐड कीजिएगा। ऐड कर देंगे यहाँ पे मिर्ची पाउडर, ऐड कर देंगे फ्रेंड्स यहाँ पे धनिया पाउडर, और ऐड कर देंगे यहाँ पे जीरा पाउडर, और आप यहाँ पे गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने सारे स्पाइसेस ऐड कर दिया है। अब इसे 1-2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे, जब तक कि मसाले से अच्छे से तेल अलग ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाले से तेल अलग होने लगा है। तो अब हम ऐड कर देते हैं इसमें टमाटो की प्यूरी जो हमने बना के ले ली थी, और इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे, जब तक कि जो टमाटर है उसका पानी अच्छे से सूख न जाए और उससे तेल अलग ना हो जाए। फ्रेंड, यहीं पे हम ऐड कर देते हैं नमक भी। जिस भी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं फ्रेंड्स, उस हिसाब से नमक यहाँ पे ऐड कर देंगे, ताकि टमाटर और ये जो हमारा मसाला है जल्दी से पक सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाले से तेल अलग हो चुका है। तो अब हम ऐड कर देंगे इसमें पालक की प्यूरी भी, और इसे 4-5 मिनट तक अच्छे से हमें पकाना है फ्रेंड्स, जब तक कि पालक का जो कच्चापन है वो ना निकल जाए और इसका जो कलर है वो भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, तब तक हमें इसे पकाना है फ्रेंड्स। पालक पनीर की सब्ज़ी बनाने में बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, और ये हेल्दी भी होती है। हम इसमें पालक ऐड करते हैं और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा चला लिया है, अब मैं इसे ढक के 4-5 मिनट तक पकाऊँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 4-5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पालक का कलर चेंज हो चुका है और उससे ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। इस स्टेज पे फ्रेंड्स आप काजू की प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं बहुत ही बेसिक सब्जी बना रही हूँ इसलिए मैंने ऐसे कुछ ऐड नहीं किया है। अब मैं ऐड करूँगी फ्रेंड्स यहाँ पर आधा ग्लास पानी। जिस भी क्वान्टिटी में आप सब्जी की ग्रेवी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर पानी ऐड कीजिए। अब हम इसे 4-5 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 4-5 मिनट हो चुके हैं, सब्जी हमारी काफ़ी ठीक हो चुकी है। तो अब हम ऐड कर देते हैं पनीर और चला लेंगे। ऐड कर देंगे हम इसमें फ्रेंड्स बटर भी, इसके फ्लेवर को थोड़ा बढ़ाने के लिए, जो कि टोटली ऑप्शनल है, बट बटर डालने से सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा बटर भी ऐड कर दिया है। अब हम इसे 1-2 मिनट तक पनीर और बटर के साथ और पका लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए हमारी सब्जी एकदम परफेक्टली कुक हो चुकी है, बटर भी एकदम अच्छे से ऊपर आ गया है, देखने में बहुत ही टेस्टी लग रही है फ्रेंड्स। तो चलते हैं इसकी प्लेटिंग की तरफ। तो ये देखिए हमारी पालक पनीर की सब्जी एकदम रेस्टोरेंट जैसी लग रही है ना। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं अपने दूसरे पालक पनीर की तरफ।
तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आधा चम्मच ऑयल लिया है और उसमें 5-6 लहसुन की कलियों को मैंने छोटा काट कर डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से लाल करेंगे और जो हमारी पालक पनीर की सब्ज़ी रेडी है उसके ऊपर हम उसे छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स हमारी सब्ज़ी बन जाएगी लहसुनी पालक पनीर की सब्ज़ी, जिसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। फ्रेंड्स आपको इस तरह से सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आपने जो बेसिक पालक पनीर की सब्ज़ी बनाई है ना, उसी में से थोड़ा निकाल कर आप ये तड़का उस पर एक बार लगा के देखिए, शायद आपको उसका टेस्ट पसंद आए। तो देखिए ये अच्छे से लहसुन यहाँ पर हो गए लाल। अब हम डाल देते हैं अपने पनीर की सब्ज़ी पर। तो ये हो गया हमारा पालक पनीर, लहसुनी पालक पनीर रेडी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सुझाव मुझे बताइए। ख्याल रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।